जान मौला मेरे ले ले मेरी तो आज स्टोरी टाइम नहीं है, मेरे दुख का व्याख्यान है जो हम सुबह 4 बजे करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल हम गए बाल कटवाने, ठीक है। हमें मम्मी के बाल बहुत अच्छे लगते, तो हमने कहा उनके जैसे काट दो मेरे बाल, इसी लेंथ में इसी वॉल्यूम में बस उनके जैसे काट दो, ऐसा लगे कुत्ते ने नोचे हैं मेरे बाल, ऐसे काटो। उसी लेंथ उसी वॉल्यूम में, लेंथ वही है, एग्जैक्ट वही लेंथ है जो पहले थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फांसी का फंदा कैसे बनाऊं। अब समस्या की बात यह है, मेरे नए कॉलेज में जो मेरा फ्रेशर्स होने वाला था, हम मिस फ्रेशर्स बनने की सोच रहे थे, अब तो मिस्टर फ्रेशर्स बनना पड़ेगा बड़े भाई। और भाई टच वुड, भगवान की कृपा से मेरी ऑडियंस, जो रियल ऑडियंस है, ये जो लफंडर ये जो बुराई करते रहते हैं हर चीज पे, उनको हटाओ, जो मेरी रियल ऑडियंस है, जो हमें मानती है असल में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बाल लंबे हैं मेरे बाल छोटे हैं, मेरी टी शर्ट फटी हुई है कि उसका रंग उड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको लगा था पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा लोगों का, हम डरे हुए थे, ठीक है। एक डीएम जो खराब आया हो, लोगों ने नोटिस ही नहीं किया भाई, फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, कितने अच्छे लोग भाई तुम लोग। मेरे दोस्तों के क्या रिएक्शन थे ये बताते हैं, लड़कियों का तो वही रिएक्शन कि पहले अच्छी लग रही थी अब नहीं लग रही हो, अब जो भी है सीन। लड़कों का रिएक्शन इतना बढ़िया आया है, एक लड़का कह रहा है भाई तुमने तो मेरे जैसे बाल कटा लिए, ट्विनिंग कर रहे हैं हम लोग। दूसरा लड़का कह रहा है, दूसरे वाले के आगे जिसका स्केच नहीं बनाया था हमने, उसके आगे ऐसे ना हल्के से रुआंसे हो गए हम बताते बताते कि तो कह रहा है सॉरी मिथिका, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें इतना मैटर करती है। बाल हमने कटवाए सॉरी वो बोल रहा है। गलत नहीं कहते हैं मेरे दोस्त सीधे, फिर सुनो, एक थोड़ा उम्र में थोड़े बड़े हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, वो भी मेरा दोस्त है, वो कहते क्या है कि कोई नोटिस नहीं करेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, भूल जाते हैं लोग, आदत पड़ जाती है। और वही हुआ। और भाई मेरी ऑडियंस जो है उसके साथ क्या सीन है, लड़कियां माइंड नहीं करती हैं, जो मेरी ऑडियंस है लड़कियां नहीं माइंड करती हैं उसकी, लड़के भी माइंड नहीं करते हैं। ये जब कुछ एक दो आ जाते हैं ना आवारा कि लड़का लग रही हो, अपनी मम्मी से बात करा दो फिर, इतना लड़का लग रहे हैं तो। I love you.